दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के पास ही है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले ये रिकॉर्ड किस कंट्री के पास था? सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक ये रिकॉर्ड इजिप्ट के पिरामिड के पास रहा। पूरे 4000 सालों तक ये रिकॉर्ड इजिप्ट के पास ही रहा था। जैसे ही अर्बनाइजेशन शुरू हुई तो ये रिकॉर्ड इधर से उधर घूमता रहा और अब पिछले 12 सालों से ये रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के पास है। पर दोस्तों अब इजिप्ट गवर्नमेंट अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। इजिप्ट गवर्नमेंट वीरान रेगिस्तान में एक नई सिटी बनाने वाली है जिससे वो अपने देश की नई कैपिटल भी बना देगी। जी हाँ बिल्कुल, इजिप्ट कंट्री अपनी कैपिटल कायरो को रिप्लेस करके एक नई सिटी को अपनी कैपिटल बनाने वाली है। ऐसा करने के पीछे कई वजहें हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण है ट्रैफिक। अगर हम गूगल मैप में चेक करें तो इजिप्ट का सबसे ज्यादा ट्रैफिक कायरो में रहता है। सुबह और शाम के टाइम तो गूगल मैप पूरा रेड हो जाता है और ये ट्रैफिक सिर्फ कायरो में ही होता है। अगर हम बाकी कंट्रीज की रोड चेक करें तो वो बिल्कुल साफ होते हैं। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ कायरो में ही इतना ट्रैफिक क्यों होता है और बाकी देश में क्यों नहीं होता? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इजिप्ट 104 मिलियन की आबादी का देश है और इजिप्ट की 25% आबादी तो सिर्फ कायरो में ही रहती है, क्योंकि कायरो एकमात्र ऐसा शहर है इजिप्ट में जहाँ पर हरियाली है और बाकी का पूरा इजिप्ट बस सुनसान रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ पर पानी का नामो निशान भी नहीं है और वहीं कायरो में कई नहरें हैं और जाहिर सी बात है कि लोग कायरो पानी वाले एरिया में रहेंगे ना कि रेगिस्तान में। और दोस्तों ट्रैफिक ही एकमात्र कारण नहीं है जिसके कारण इजिप्ट करोड़ों रुपए की लागत से एक नया शहर बना रहा है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि दुनिया भर में कैपिटल सिटीज में ही गवर्नमेंट बिल्डिंग एक दूसरे के करीब होती हैं, फिर चाहे वो पार्लियामेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफिसेस हो और या फिर हो रेजिडेंशियल ऑफिसेस। लेकिन दोस्तों कायरो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कायरो में सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग एक दूसरे से काफी दूर हैं और उससे भी बड़ी बात ये कि सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के आसपास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। जब इन गवर्नमेंट ऑफिशियल को एक दूसरे से मिलना हो तो इन्हें बहुत सारे ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और ऊपर से इनकी सिक्योरिटी के कारण और भी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है। और दोस्तों कई बार देश में कोई प्रोटेस्ट हो जाए तो सबसे ज्यादा परेशानी पुलिस को ही होती है। इतनी घनी आबादी वाली जगह को प्रोटेक्ट करना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इजिप्शियन गवर्नमेंट के पास इन मसलों को हल करने के लिए नया शहर बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक नया शहर बनाने से ही कायरो का लोड कम हो सकता था। 700 स्क्वायर किलोमीटर में ये शहर बनाया जा रहा है। 7 सालों की कंस्ट्रक्शन के बाद अब इसका चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। यहाँ पर एक पूरी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाई जा रही है। यहाँ पर सिर्फ स्टेट ऑफिसेस मौजूद होंगे। कायरो से सभी पुराने ऑफिसेस हटा दिए जाएंगे और यहाँ पर पार्लियामेंट के अलावा एक शानदार प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी बनाई जाएगी। दोस्तों इस जगह को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर देश का सबसे बड़ा होटल, 90,000 सीटिंग कैपेसिटी वाला एक शानदार स्टेडियम और एक थीम पार्क जो कि डिज्नीलैंड से 6 गुना ज्यादा बड़ा होगा, इन सबको बनाने का फैसला किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट एक दुनिया का सबसे ऊंचा टावर भी बना रही है जो कि इस सिटी के बिल्कुल सेंटर में होगा और ऐसा करके इजिप्ट दुबई को बहुत बड़ी टक्कर देने वाला है। दोस्तों इस नए टावर का नाम ओबेलिस्को होगा और ये टावर दुबई के बुर्ज खलीफा से पूरे 170 मीटर ऊंचा होगा, यानी कि 1000 मीटर का होगा। इस टावर का डिजाइन एंशियंट इजिप्ट ओबेलिस्क के तर्ज पर बनाया जाएगा और इस पूरे मॉडल को 2030 से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक इजिप्ट अभी तक $45 बिलियन इस पूरे मॉडल तक खर्च कर चुका है जो कि 3700 अरब रुपीस के बराबर बनता है। और अगर ये मॉडल पूरा हो जाता है तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।